Hello students, how are you? Hope you all are fine. So our today's topic is solving the equations having variable on both sides. ठीक है, हमारे पास में two sides थी LHS and RHS. तो उनमें हमारे पास में दोनों side variable होगा तो हम हमारे equation को कैसे solve करेंगे वो आज हम लोग discuss करने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोग start करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इक्वेशन राइट कर देती हूँ. उस इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कैसे हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, एग्जांपल हम लोग यहाँ पे राइट आउट करते हैं. 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2. 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2. ये हमारे पास में क्या है, एक इक्वेशन है. अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में देखो बोथ साइड्स में, यहाँ पर भी हमारे पास में एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू है. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे जो दोनों साइड से हमारे पास में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है तो हम क्या करेंगे, जो ये सेम वेरिएबल्स होते हैं इनको सिंगल साइड में हम लोग रखेंगे. ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे पास में नंबरिंग है उसको हम लोग दूसरी साइड रखते हैं. ठीक है, चाहे आप इसको RHS में ले जा सकते हैं या फिर RHS वाली वैल्यू को LHS में रख सकते हैं. ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन से साइड इसको ले जाना चाहते हैं. ठीक है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपको LHS में ही रखना है या RHS में ही रखना है. आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक बार हम लोग LHS में रख के सॉल्व करते हैं और दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, RHS में हमारी वैल्यू को रख के फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट दैट 2x, यहाँ पे हमारे पास में जो RHS में x है दैट इज पॉजिटिव x, एंड व्हेन वी पुट इट इन द LHS देन दिस x विल बी नेगेटिव. देन माइनस x इज इक्वल्स टू 2, और जब ये नेगेटिव वाला माइनस 3 सेकेंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3. ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 2x और x सेम है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसका जो हमारे पास में कॉन्स्टेंट है सिर्फ उनको क्या करना है, सॉल्व करना है. यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, दैट मीन्स देर इज 1. ठीक है, तो 2 में से अगर हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, x. ओनली क्या बचेगा, x. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स यहाँ पर जो x's है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5. ठीक है, इफ आपको कोई डाउट लगता है कि आपका आंसर सही है या गलत है तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हो. आप इस x की जो वैल्यू आई है उसको बोथ साइड्स पे रख के देखिए, आपकी ये जो दोनों वैल्यूज है वो इक्वल आएगी. ठीक है, एक बार राइट आउट करके देख लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी. माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10. 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7. देन 7 इज इक्वल्स टू 7. इक्वल वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, आपका आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है. और ये इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. अब ये तो हम लोग LHS में लेकर आए थे, अब इसी वैल्यू को हम लोग RHS में भी ले जा सकते हैं. एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसका. आवर क्वेश्चन इज 5x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14. ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें सिर्फ RHS में लेकर जाना है, LHS वाला भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. ठीक है, इसको ले जाते हैं हम लोग. तो ये 7/2 है, ये इसी साइड रहेगा हमारे पास में, और ये जो माइनस 14 है इसको हम लोग सेकेंड साइड लेकर आएंगे LHS में, तो ये प्लस 14 हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/2x यहाँ पे हमारे पास में पहले से है, और जब हम प्लस 5x को लेकर आएंगे तो ये माइनस 5x हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, सॉल्व करते हैं. इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. सॉरी, ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 35/2.
ठीक है, 35 अपॉन 2 जब हमारे पास में आ गया तो उधर की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 7 अपॉन 2x, ठीक है, कितना आ गया ये, माइनस 7 अपॉन 2x। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये x के क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है तो जब हम इसको सेकंड साइड लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 35 अपॉन 2, और जब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7 अपॉन 2 यहाँ पर आ जाएगी, और ये x की वैल्यू आपको पता है, जब हम डिवाइड में हमारे पास में फिर से फ्रैक्शन की वैल्यू होती है तो हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई में इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यू 2 हमारे पास में अपर साइड हो जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर हो जाएगा, और 7 डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे किया जाता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि जब आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हो तो आप उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे और कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ वो वीडियो, ठीक है, आप लोग वहां से भी लिंक ओपन करके और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 35 अपॉन 2, ये जो नेगेटिव साइन हमारे पास में डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ही राइट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है, नेगेटिव है, चाहे न्यूमरेटर में नेगेटिव हो चाहे डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो, हमें क्या लगाना है, ओवरऑल नेगेटिव रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू x। अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं साइड में नोट डाउन कर रही हूँ, आप लोग इसलिए नीचे से राइट डाउन कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, 2 से हम लोग 2 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और 7 से 35 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5, देन x इज इक्वल टू माइनस 5, ये आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चाहे LHS में रखो चाहे RHS में रखो, वैल्यू आपकी सेम आने वाली है, वैल्यू में कोई भी डिफरेंस आपके पास में नहीं आने वाला है। सेकंड चीज है आपके पास में कि इफ आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम आती है कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास में क्वेश्चन, अर्जुन इज ट्वाइस एज, क्वेश्चन इज अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, 5 years ago his age was 5 years ago his age was 3 times Shreya's age. 3 times Shreya's age. Shreya's age. Find their present ages. Find their present ages. ठीक है, हमें क्या करना है, उनकी अभी की जो एजेस है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, ठीक है, अर्जुन जो है वो अभी श्रेया से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल में जो श्रेया की एज है उसका डबल अगर हम लोग करेंगे तो अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसी को नोट डाउन कर लेते हैं, आंसर
जो जो चीजें आपको गिवन होती हैं उसको आप लोग एज अ लैंग्वेज भी अपने क्वेश्चन में नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग श्रेया की एज को तो लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ श्रेया या एज ऑफ श्रेया इज इक्वल्स टू एक्स। एज ऑफ श्रेया कितना हो गया हमारे पास में एक्स। देन एज ऑफ अर्जुन, अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी 2x। इफ इसकी x है तो इसकी 2x हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, his age was 3 times श्रेया's age। तो इसकी जो एज है वो श्रेया के एज से 3 गुना थी। तो सबसे पहले हम लोग 5 साल पहले चलते हैं। 5 years ago, 5 years ago श्रेया's एज, श्रेया की जो एज थी वो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5। एंड सेम हमारे पास में रहेगा 5 years ago अर्जुन एज 2x माइनस 5। अर्जुन की एज कितनी रही है हमारे पास में 2x माइनस 5। अब हमें यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि 3 times है उसकी। तो यहाँ पे अगर हम लोग श्रेया की एज और अर्जुन की एज को कंपेयर करें तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 times ऑफ x माइनस 5। यानी कि श्रेया की एज का कितना है 3 times है। तो ये हमारे पास में क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम लोग अगर एक्यूरेटली लिखते हैं तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी 2x माइनस 5, 3 को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x माइनस 15। ये हमारे पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं श्रेया की एज और अर्जुन की एज, क्योंकि जब हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें श्रेया की एज पता चल जाएगी, और जो एज श्रेया की है उससे डबल किसकी है अर्जुन की एज है। तो अभी हमें क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन थी वो सब हम लोगों ने राइट कर ली है। इनको राइट करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। सॉल्व कर लेते हैं 2x माइनस 3x इज इक्वल टू x नेगेटिव x एंड दिस इज माइनस 10, देन x इज इक्वल्स टू 10। नेगेटिव से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10। देन श्रेया's एज इज, श्रेया's एज इज 10 इयर्स और अर्जुन की एज क्या हो जाएगी, अर्जुन's एज इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 years। ठीक है, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स इसको तो करेगा ही, ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। आप लोग एक बार चाहो तो कंफर्म कर सकते हो कि इसकी एज 3 times है या नहीं है। तो 10 में से अगर हम लोग 5 को सेपरेट करते तो 5 हो गया हमारे पास में, और 20 में से 5 को सेपरेट करेंगे तो वो 15 हो जाएगा। तो 5 और 15 क्या होता है, 3 times होता है 15 5 का। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इफ इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपका किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो वो स्किप ना हो और सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सके। थैंक यू।